to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm... हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल. आज का आपका स्वागत है. आज हम बनाएंगे इस मसूर की दाल की बढ़िया. कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में सब्जी नहीं होती है या कभी कभी दाल खाने का मन नहीं होता है, तब हम इस दाल से अच्छी सी यूनिक बढ़िया बनाकर सब्जी बना सकते हैं. और ये सब्जी बहुत ही लजीज होती है और बहुत ही टेस्टी होती है. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं. इस दाल की बड़ी बनाने के लिए हम इस दाल को शाम को भिगोएंगे या तो फिर ये सब्जी बनाने से 1-2 घंटे पहले भिगो सकते हैं. तो मैंने देखिए शाम को ये भिगो ली थी. अब इसको मैं मिक्सी में डाल के पीसूंगा, इसके बाद इसकी बढ़िया बनाऊंगा. तो दोस्तों देखो, दाल पीस के मेरी तैयार हो गई है. इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे. ये देखिए थोड़ा सा नमक डाला हमने, 1/2 टीस्पून नमक डालना है और इसको अच्छे से मिलाना है. तो दोस्तों देखिए, मैंने इसको पहले इसके बनाएंगे बढ़िया या पकौड़ियाँ. इसको इसके लिए हमने लिए है छोटी सी कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम 2 चमचा तेल. ये चमचा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको. चमचा तेल डाल दिया हमने इसको. ये हो गया 2 चमचा तेल. अब इसको अच्छे से गर्म करेंगे. जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम इसको अच्छे से फेंटेंगे. अब दोस्तों हमारा तेल हो गया है गरम, इसमें हम बनाएंगे अपनी दाल की पकौड़ियाँ. वाओ, सो ऑसम. देखिए दोस्तों, मैं जो बढ़िया बना रहा हूँ दाल की, मैं छोटी छोटी बनाई है. आप चाहे तो अपने हिसाब से बड़ी बड़ी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो. अब देखिए इसको हम अच्छे से सेकेंगे. देखिए हमने पलट पलट कर अपनी पकौड़ियों को सेक लिया है. पकौड़ियाँ हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं. तो दोस्तों देखिए, हमारी जो पकौड़ी बनके तैयार हो गई है, ये बरी बोलते हैं इसको, वैसे बनकर तैयार हो गई है. और साथ साथ सब्जी बनाने के लिए इसके साथ हम करेंगे आलू का इस्तेमाल. ये 4 आलू मेरे पास उबले हुए रखे हैं, मैंने शाम को उबाले थे किसी और सब्जी के लिए, लेकिन इन आलू को हम इस सब्जी में इस्तेमाल करेंगे साथ ही. ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब हम कढ़ाई रख दी मैंने, और उसी तेल में हम इसको करेंगे जिस तेल में हमने अभी बढ़िया निकाली थी. तो इसमें हमारा तेल मतलब भर है और अच्छे से कढ़ाई हमारी गर्म भी है. तो इसमें डालने सबसे पहले हम डाल लेंगे थोड़ा सा जीरा. मैंने 1 स्पून ये वाला जीरा डाला है. इसके बाद डालेंगे दोस्तों इसमें हम अपनी लहसुन. इसको अच्छे से भुनेंगे. देखिए दोस्तों, लहसुन भुनकर तैयार हो गया. इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपने थोड़ी प्याज. मैंने 1 गांठ ली है प्याज की. आप 1 ले सकते हैं या 2 भी ले सकते हैं, मैंने तो 1 ही ली है. इसको भी अच्छे से भुनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए. देखिए दोस्तों, हमारी प्याज भुन के हो गई है तैयार. हम डालेंगे इसमें टमाटर. 2 टमाटर लिए हैं मैंने, 1 लिया बड़ा टमाटर, 6 टमाटर. आप 1 या 2 टमाटर ले सकते हैं अपने हिसाब से. अब इसको अच्छे से हमें भूनना है. साथ ही दोस्तों इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, ये 1 स्पून के बराबर होगा. इसको डाल लेंगे अच्छे से और भून लेंगे इसमें. ये भून के ऑलमोस्ट तैयार हो गया. इसमें हम डालेंगे मसाले. दोस्तों सबसे पहले डालूंगा मैं धनिया 1 चम्मच. ये देखिए 1 चम्मच धनिया. हाफ चम्मच हल्दी. हाफ चम्मच लाल मिर्च. एक चम्मच चिकन पाउडर.
अब देखिए सारे मसाले हमारे पड़ गए, इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे ताकि नीचे लगे ना। देखो मसाले ना जाने इसके लिए डालते थोड़ा सा पानी और मसालों को अच्छे से भूनेंगे। तो दोस्तों हमारा मसाला भुन के हो गया तैयार। इसमें हम डालेंगे जो हमने आलू लिए थे, ये चार आलू, इनको अच्छे से क्रश करके यानी फोड़ के इसमें डालेंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने ये आलू क्रश करके इसमें डाल दिए हैं, अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है आराम आराम से, और आप जो गैस की आँच है फ्लेम है उसको स्लो रखिएगा वरना ये नीचे लग जाएगा। दोस्तों इसमें देखिए मैं डाला हूँ एक स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। हम थोड़ा तेज़ नमक खाते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा नमक डालते हैं, और साथ साथ इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा पानी ताकि इसको हम ग्रेवी पतला पतला बनाएंगे, ग्रेवीदार बनाएंगे एकदम, ये चावल या रोटी के साथ खाते हुए हमें मज़ा आए। तो दोस्तों देखिए रसीली सब्जी बनाने के लिए हमने इसमें डाल दिया मतलब भर पानी। ये बोतल डाला मैंने फुल भर के पानी, आप भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से जैसे जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसकी या जितनी तरी चाहिए आपको उसकी। और इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे पकौड़ियाँ, क्योंकि पकौड़ी अभी डालेंगे तो पकौड़ी हमारी सारी इसमें घुल जाएंगी और हमें दिखाई भी नहीं देंगे कि हमारी पकौड़ियाँ कहाँ गई हैं। तो इसलिए पकौड़ियों को डालेंगे थोड़ी देर के बाद जब इसमें आ जाएगा एक उबाल, इसके बाद डालेंगे पकौड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर चलते हैं पकौड़ी डालने के टाइम मिलेंगे। दोस्तों देखिए हमारी सब्जी में अच्छे से उबाल आ गया है, अब इसमें हम डाल देंगे ये बढ़िया हमने जो बनाई थी, और इसको 5 मिनट रखेंगे। 5 मिनट के बाद सब्जी हमारी बनके हो जाएगी तैयार, फिर इसको हम सर्व करेंगे। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me?